न्यूजीलैंड पहुंचते ही शिखर धवन ने बदल डाली पूरी टीम। टीम में लौटे 11 भूखे शेर, उनमें सबसे बड़ा नाम संजू सैमसन। हार्दिक पंड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 1-0 से जीत ली है। अब भारत न्यूजीलैंड टीमों के बीच 25 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। अगर आप भी चाहते हो कि संजू सैमसन को मौका मिले तो वीडियो को लाइक करें। वनडे टीम की कमान शिखर धवन को सौंपी गई है। पंड्या T20 वर्ल्ड कप के बाद सीधे न्यूजीलैंड पहुंचे थे, ऐसे में अब उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की बात करें तो T20 की प्लेइंग 11 से कम 6 बदलाव देखने को मिलेंगे। टीम ने अंतिम वनडे सीरीज घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, इसमें भारत को जीत मिली थी। शिखर धवन ने वनडे के लिए पूरी टीम ही बदल डाली और टीम में 11 भूखे शेरों की वापसी करा दी। T20 सीरीज में ईशान किशन और ऋषभ पंत बतौर ओपनर उतरे, लेकिन ईशान वनडे टीम में शामिल नहीं है। ऐसे में शिखर धवन और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। T20 में संजू सैमसन को ना खिलाने से फैंस काफी नाराज है। ऐसे में धवन ने बिल्कुल साफ कर दिया, संजू सैमसन तीनों वनडे मैच खेलते नजर आएंगे। संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैच में मौका मिला था। उन्होंने एक अर्धशतक के सहारे 118 रन बनाए थे। एक मैच में संजू ने नाबाद 86 रन की बेस्ट पारी खेली थी। वनडे सीरीज में सूर्य कुमार यादव भी आपको खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत वनडे सीरीज में भी नजर आएंगे, क्योंकि ऋषभ टीम के उपकप्तान है। वहीं तेज गेंदबाज दीपक चाहर भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। वे नई गेंद से विकेट दिलाने में माहिर हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड की स्विंग पिच पर वे टीम के लिए अहम हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में ऑलराउंडर शाहबाज अहमद और शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। तेज गेंदबाज शार्दुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच में 3 विकेट लिए थे। वहीं एक मुकाबले में 33 रन की महत्वपूर्ण पारी भी खेली थी। बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति में शाहबाज अहमद उनकी कमी पूरी करना चाहेंगे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच में 3 विकेट लिए थे। इकोनॉमी लगभग 5 की थी, हालांकि उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।